हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ शेज़वान फ्राइड राइस। थोड़े से स्पाइसी एंड टैंगी बनते हैं ये काफ़ी वेजीज के साथ। बहुत ही सिंपल एंड इजी है इसे बनाना। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी इस रेसिपी के लिए, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 1 हरी मिर्ची। इन सबको ऑयल में थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे। बस 2 से 3 मिनट में अदरक और लहसुन पक जाएंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियंस। तो ये मैं डाल रही हूँ वाइट पार्ट स्प्रिंग अनियंस का, ये मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा मैं ग्रीन्स भी डाल रही हूँ उसके, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह की किसी भी डिश में स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पर ग्रीन पार्ट भी डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा इनको भी हम चला लेंगे जिससे कि इनका कच्चापन चला जाए। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ियाँ। तो 1 कप जाएगी इसमें गाजर, 1 कप बीन्स और 1 कप शिमला मिर्च। इन सबको मिक्स करेंगे 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें जाएगा 1 कप पत्ता गोभी। तो ये पत्ता गोभी डाल दिया है मैंने। इन सबको मिक्स कर लें अच्छे से। शेज़वान फ्राइड राइस में ये सारी सब्ज़ियाँ ज़रूर डलती हैं, तो आप इन सब्ज़ियों को ज़रूर डालें। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पेपर। पेपर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो अप्रॉक्स मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। सब्ज़ियों को हमको क्रंची ही रखना है, तो बस 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करें। उसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस, थोड़ा सा डाला है विनेगर, लगभग 1 टीस्पून टोमेटो सॉस और लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून शेज़वान सॉस। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। या फिर ऊपर एक लिंक फ्लैश हो रही होगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसे। सारे सॉसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे सब्ज़ियों में। ये देखिए जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ, इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है, बिकॉज शेज़वान सॉस से बहुत अच्छा कलर आया है। बस अब हम डालेंगे चावल। तो चावल मैंने पहले से बना के रखे थे और वो ठंडे भी हो गए थे, तो अब मैं ये सारे चावल इसमें डाल दूंगी और इनको धीरे धीरे करके मिक्स करूंगी। ये देखिए बस सबको मिलाते जाएं। तो कभी भी आप किसी भी तरीके के फ्राई राइस बनाएं, चावल को हमेशा पहले से कुक कर लें, उससे चावल अच्छे से फ्राई होते हैं। तो आप 1-2 घंटे पहले से बना के रख सकते हैं, या फिर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको मैं गार्निश कर दूंगी लास्ट में स्प्रिंग अनियन से। ये देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं फ्राई राइस। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, आपको भी बहुत पसंद आएगी। इसमें जो मेन टेस्ट आएगा वो शेज़वान सॉस से आएगा, तो उसे ज़रूर डालें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो बनाएं इसे फिर लंच में या डिनर में, और इन्जॉय करें ये एकदम स्पाइसी एंड टैंगी से शेज़वान फ्राई राइस को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे शो हो रहा होगा। मुझे वहाँ पे अपनी रेसिपीज़ की फ़ोटो भेजिए। आई वुड लव टू शेयर द फोटोज़ ऑन माई पेज। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।